अरे भाई अंदर मुझे भेज रहे हैं। नहीं वो लेके जा। तंदूरी चिकन बन रही है, बिहारी कबाब बन रहे हैं, बिरयानी में मसाले लग रहे हैं और चौधरी साहब जो है ना वो यहाँ पे सब पे नज़र रखे हुए हैं। 2004 में आया था मैं, तो जब से स्टार्ट किया यहाँ पे और तकरीबन 15 साल में पाकिस्तान में किया मैंने। तो पाकिस्तान में भी तो है अभी? हाँ है अभी, चार ब्रांच है। हम लोग वैसे भी यहाँ पर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं और मस्जिदों में बिरयानी वगैरह हम लोग भेजते हैं ताकि वो बेच के फंडिंग वगैरह जो है ना वो मस्जिद को हेल्प होती हो। सही बात है। कैंगरू का बेबी, हाय वो डियर बिरयानी, हिरन की बिरयानी खाएंगे भाई। हिरन का बोन मैरो, तो मुझे लग रहा है मैं बादशाहों के मुगलिया जमाने में पहुंच गया हूँ। हिरन हिरन के खाने वाने खा रहे हैं यहाँ बैठ के। पाकोला पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और आज हम आए भाई एक बहुत ही ख़ास जगह पे। वो जगह है कराची किचन। और कराची किचन है किसका? कराची किचन है भाई चौधरी मतीन का। और चौधरी मतीन का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ख़ास तौर पे कराची के लिए, क्योंकि कराची में चौधरी मतीन एक सिंबल है, एक आइकन है, एक ब्रांड है और कई दिहाइयों से मज़ेदार खाना सर्व कर रहे हैं। आज हम चौधरी मतीन साहब से भी मिलेंगे कराची किचन में, इनके मज़ेदार खाने खाएंगे। और कल भी जो है ना वो एक बहुत एक्सक्लूसिव सीन होने वाला है, क्योंकि हम कल खाएंगे हिरन का गोश्त। हम एक ज़ू में जाएंगे, वहाँ पर बहुत एक्जॉटिक एनिमल्स हैं और हिरन का गोश्त भी हमारे लिए स्पेशली तैयार किया जा रहा है। क्या क्या होगा वो कल ही आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं कराची किचन और चौधरी मतीन से मिलते हैं, मज़ेदार खाने खाते हैं। तो फिर चलें। रावल जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। चौधरी मतीन साहब हमारे साथ हैं और आपसे आपका नाम ही सुना था, आपका खाना ही खाया था, कभी आपसे कराची में मुलाकात नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। आज तो आपसे माशाल्लाह यहाँ कनाडा में मुलाकात हो गई। भाई चौधरी मतीन साहब का नाम जो है ना वो किसी तारुफ का मोहताज है नहीं, जैसे मैंने बताया। ये तो बताएं हमारे व्यूवर्स को कि आपके खानों में जो जायका है, जो आपकी कामयाबी है, उसका राज क्या है? तकरीबन 38 साल हो गए मेरे सर। 2004 में आया था मैं, तो जब से स्टार्ट किया यहाँ पे और तकरीबन 15 साल में पाकिस्तान में किया मैंने। तो पाकिस्तान में भी तो है अभी? हाँ है अभी, तो वहाँ चार ब्रांच है। जी जी, तो वहाँ पे भी आना जाना रहता है? हाँ मैं जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, तो आना जाना लगा रहता है। जा रहा हूँ। जो जायका है, जो आपके माशाल्लाह टेस्ट है जी, लोग कनाडा हो कराची हो दूर से लोग खाते हैं, तो उसका राज क्या है, असल रेसिपी क्या, सीक्रेट क्या है उसका? रेसिपी तो खैर कुछ नहीं है। पहले तो मेरा शादी हाल था, शादी हाल में शाम में शादी हाल फिर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया ये काम। 1995 में चौधरी मतीन साहब, और 2004 में ये डिक्सी किया आपने, उसके बाद तीन ब्रांच और की। सही। अभी टोटल इनकी तीन ब्रांच है। अच्छा। टोरंटो में चौथा ब्रांच ये खोल रहे हैं, दो नया मिसिसागा में, जहाँ फूड स्ट्रीट, जहाँ आप फूड कोर्ट बना हुआ है, वहीं पे चौथी ब्रांच बन गई। चौथी ब्रांच बन गई, वहाँ डाइनिंग भी है इंशाल्लाह, वो रमज़ान से पहले खुल जाएगा। अच्छा। और फिर ये कि वहाँ से हम लोग वैसे भी यहाँ पर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं और मस्जिदों में बिरयानी वगैरह हम लोग भेजते हैं ताकि वो बेच के फंडिंग वगैरह जो है ना वो मस्जिद को हेल्प होती हो। सही बात। और यहाँ पे क्या मेन्यू में आपकी चीज़ें? मेन्यू में पुलाव है, जर्दा है और बिरयानी है और नहारी है और हलीम है और कोरमा है। नहारी और हलीम भी है? हाँ, नहारी भी है। तो भाई ये जो है ना ज़बरदस्त सीन है यहाँ पर, मेन्यू तो बहुत बड़ा है, ह्यूज है, लेकिन नहारी और हलीम मुझे टोरंटो में मिला नहीं है। सही सही। तो मेरा ख्याल है कि आज हम बाकी चीज़ें तो खाएंगे, लेकिन नहारी और हलीम जो है कराची किचन की वो हम खा के देखेंगे, क्योंकि वो चौधरी साहब की तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, ज़बरदस्त। तो चले ज़रा चले। क्या हाल है भाई? ठीक है, हरिया ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? एल्विन। एल्विन प्रभजीत सिंह। प्रभजीत सिंह। हरजोत। कबीर। कबीर सिंह। वाह जी वाह। कहाँ कहाँ से हैं आप लोग, कौन कौन से शहर से? कराची से, पाकिस्तान कराची, पंजाब, पंजाब कपूरथला, लुधियाना, पंजाब, पंजाब लुधियाना। अरे भाई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त भाई, सारे माशाल्लाह। ये हमारे सारे कोलीग्स हैं, हम सब मिलके यहाँ बड़े अच्छे माहौल में काम करते हैं। ये हमारा बेसिकली कुकिंग एरिया है। ये बिरयानी का मसाला है? बिरयानी के भी हम सेटअप स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। ये हमारे दद्दू
बांग्लादेश से। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये हमारी पुरानी वाला खाली बनाते हैं। मेरा नाम अब्दुरूप भैया। अच्छा अच्छा, प्यार से हम इनको दद्दू कहते हैं। सही, ठीक है। और यही हमारा यहाँ बिरयानी का सारा सेटअप देखते हैं, और हम जो बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं। यहाँ पे ये नान तैयार हो रहे हैं फ्रेश फ्रेश। चौधरी साहब जो है ना, वो यहाँ पे सब पे नज़र रखे हुए हैं। चौधरी साहब, आप सब पे नज़र रखते हैं, ज़रा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और ये कबाब लग रहे हैं यहाँ पे, सीख कबाब। हमारे पास ये रेशमी कबाब है, चिकन के बीफ कबाब को हम यहाँ सीख कबाब कहते हैं, और चिकन के कबाब को रेशमी कबाब कहा जाता है। तय लगाई जा रही है भाई, तय लगाई जा रही है। ये लग रहे हैं भाई बिहारी कबाब, बारिशों के में लग रहे हैं फुल। ओहो, तंदूरी चिकन बन रही है, बिहारी कबाब बन रहे हैं, बिरयानी में मसाले लग रहे हैं। एक ज़बरदस्त एक्टिविटी चल रही है माशाल्लाह किचन के अंदर, और हाजी साहब खुद भी लगे हुए भाई साथ साथ। ये हो गया भाई मिक्स तंदूरी चिकन। स्पाइसी होती है? हाँ जी, स्पाइसी होती है। टैटू तो बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है आपने। टैटू इंडिया से बनाया है। इंडिया से बनवाया है? पूरे पूरे टिक्के जो हैं भाई वो सीख के अंदर लगाए जा रहे हैं तंदूरी चिकन के, और मसाला जो है ना वो भाई लेप रहे हैं इसके ऊपर फुल चटपटा। ये बफलो यहाँ से एक घंटे के ड्राइव है हमारे पास। बफलो से लोग आते हैं खाना खाने कराची किचन। अच्छा। और यहाँ से कैटी से ले जाते हैं बफलो। अच्छा अच्छा। हाँ, काफ़ी लोग जैसे तो स्पेशली समर में ना आते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग। तो पहले से बुक कर देते हैं रेस्टोरेंट को। 25 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं डाइनिंग के। ये केटरिंग का ऑर्डर है? ये ऑर्डर है, कुछ आपके लिए लगाए हैं ताकि आप भी इंजॉय करें। सही। और जो मज़ा ऐसे गर्मा गर्म कबाब खाने में ना, वो कहीं भी नहीं। ओहो, भाप निकल रही है ज़बरदस्त, गर्मा गर्म चिकन रेशमी कबाब। बिस्मिल्लाह। बहुत ही जायकेदार, नाम की तरह बिल्कुल रेशमी। ये आए भाई बिहारी कबाब। नहीं जिया भाई, खाएं और बताएं। ये देखें आप भाई बिहारी कबाब अभी हाथ के हाथ, और गरम गरम का जो मज़ा है। उसकी बात ही और है। बिहारी कबाब जो है ना, वो पार्सों के अंदर बनाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसको बनाया गया है। बहुत ही सॉफ्ट गलावट लगी हुई, नरम मुलायम, जायकेदार, मसालेदार, वेरी नाइस। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये आप कलर देखिए बिरयानी का, चावल निकरे निकरे, और खास बात ये है कि चौधरी साहब ने खुद बना लिया हमारे लिए। वाह 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 वाह। हो गया भाई, हमारा खाना आ गया है। और यहाँ पे मेन्यू के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो ख़ास स्पेशल चीज़ें हैं कराची किचन की, चौधरी मतीन साहब की, वो हमारे लिए आई हैं, जिसमें निहारी है, हलीम है, बिरयानी है, सीख कबाब, बिहारी कबाब हमने वहाँ टेस्ट कर लिए, और ये तंदूरी चिकन, साथ में नान है, यहाँ पे थोड़ी सी फ़िश भी है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन है भाई माशाल्लाह। और हम बिस्मिल्लाह करते हैं निहारी से। भाई ये जब तक निहारी है वो, और उसके ऊपर ये लीमू का तड़का जब तक ना आए, उस वक्त तक मज़ा नहीं आता। तो ये चेक करें भाई, ओए होए होए, ये जो टेंडरनेस है ना मीट की, और ये सालन में अच्छे तरीके से इसको डुबा के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वाह, अब तक टोरंटो के टूर में मैंने एक आध जगह निहारी खाई थी, लेकिन निहारी ऐसी डेलिकेसी है जो हर कोई बना नहीं सकता, लेकिन इस निहारी के अंदर जो चौधरी मतीन का असल जायका है, जो नाम है, जो पहचान है माशाल्लाह, वो इसके अंदर आया है। खाते ही बहुत ही लजीज, गर्मा गर्म रोटी के साथ, नान के साथ, और मीट निहारी का बोंग वाला। और ये वासिफ भाई ने बताया कि जो नली है, जो गूदा है, वो इसी के अंदर वो मिक्स कर देते हैं, और उसका जो एक रिच रोगनी जो टेस्ट इसके अंदर निहारी के अंदर आ रहा है ना, बहुत ही लाजवाब। मेरे ख़्याल में भाई कनाडा में उससे बेहतर निहारी मैंने अभी तक खाई नहीं। क्या बात है।
बनिहारी ऐसी चीज़ है जिसको जो है ना वो गरम गरम नान के साथ फौरन फौरन खाने का मज़ा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी मिसिसागा के अंदर एक बड़ा ग्रैंड डाइनिंग हॉल जो है ना वो यहाँ पे चौधरी मतीन का कराची किचन का बन रहा है, तो वहाँ पे आप ये निहारी जब गरम गरम खाएंगे इंशाल्लाह तो कराची की याद ताज़ा हो जाएगी, पाकिस्तान की याद ताज़ा हो जाएगी। माशाल्लाह क्या बात है। निहारी के बराबर में ये है हमारे पास हलीम, इसके ऊपर तली हुई प्याज का एक ज़बरदस्त सा टॉपिंग हुई हुई है। ये चेक करें, ये जो रेशे आ रहे हैं ना, ये रेशे हैं असल चीज़। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। और निहारी भी हलीम भी नो डाउट बहुत ही आला है, लेकिन एक हल्का सा जो शहर की मट्टी की आबो हवा की बात होती है वो हर खाने में आती ही है। हलीम नो डाउट बहुत मज़ेदार है, लेकिन यही चौधरी मतीन का हलीम आप जब आप 2K के नॉर्थ नाजाबाद के चौधरी मतीन पे खाएंगे तो उसका टेस्ट 19-20 होगा, और वही आपका जो टेस्ट है ना खास चौधरी मतीन वाला वो पूरा निहारी के अंदर वही स्पाइसेस। ये नहीं कि यहाँ के हिसाब से थोड़े स्पाइसेस कम कर दिए गए हो क्योंकि यहाँ पे लोग कम मिर्चें खाते हैं, वो जो ऑथेंटिक जायका है माशाल्लाह निहारी का, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये है भाई बिरयानी, चिकन बिरयानी, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बिरयानी की भाई। बिस्मिल्लाह, भाई साहब माशाल्लाह। भाई मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि चौधरी मतीन साहब मेरे साथ खुद बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और इनके हाथ की बिरयानी, इनके हाथ से निकली हुई बिरयानी, उसके बारे में मेरा कुछ कहना ऐसा ही है जैसे सूरज को चराग दिखाना। सही है। तो ये मेरे साथ खुद बैठे हुए हैं और मैं इनके हाथ की निकली हुई बिरयानी खा रहा हूँ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जो लोग देख रहे हैं उनको भी मेरे ख्याल किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा कि चौधरी मतीन साहब माशाल्लाह ख़ुद भी यहाँ पे होते हैं, आना जाना करते रहते हैं, और इनकी निगरानी में, इनके बेटे वासिफ भाई की निगरानी में ये सारा काम चलता है। बड़ी ज़बरदस्त टीम है माशाल्लाह। और नो डाउट निहारी, हलीम, बिरयानी, बिहारी कबाब, सीख कबाब, जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, सर थैंक यू सो मच, आपने हम यहाँ पर आए, आपने इतनी हमें मेहमान नवाजी की, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। यहाँ पे तंदूरी चिकन भी है, यहाँ पे फिश भी है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पेट में जगह जो है वो थोड़ी है क्योंकि निहारी जो है ना और हलीम ये मुझे पहले अभी सारे फिनिश करने हैं, और उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हजम हो सके। तो सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त। मीठे में भाई यहाँ पर खीर भी है, गुलाब जामुन भी है, शाही टुकड़े भी हैं, और गाजर का हलवा भी है। ये हैं भाई शाही टुकड़े, और शाही टुकड़े आपको कराची किचन के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। शाही टुकड़े भी भाई हर कोई बना नहीं सकता, इसकी भी बड़ी टेक्निक है। और ये बादाम पिस्तों की टॉपिंग के साथ बहुत ही मुनासिब मीठा, स्पंजी, जूसी, मिल्की, मज़ा आ गया भाई। नो डाउट कराची किचन चौधरी मतीन नाम ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अभी हम जा रहे हैं अयाज भाई के जू, प्राइवेट जू। अयाज भाई का प्राइवेट जू है, वो हम आज विजिट करने के लिए जा रहे हैं, और अभी हम यहाँ पे जरा कुछ रूस्टर जूस लेंगे। एंड अयाज भाई इज फ्रॉम ईरान, बट वी वेंट टू पाकिस्तान, ही वेंट टू पाकिस्तान, एंड ही वेंट टू पाकिस्तान आफ्टर 22 इयर्स जस्ट बाय वाचिंग माय योर वीडियो। या ही टोल्ड मी ऑन दिस स्पॉट, थैंक यू सो मच। No, thank you. You made me go back. And he has also invited us to try some real delicacies of fallow deer. आज हिरन ट्राई करने वाले हैं आज हम. Let's go. चलें. चलें. तो ये भाई booster juice, natural fruits. Wow. Ayaz bhai. Welcome drink by Ayaz bhai. Thank you. Thank you. Yeah, this is fantastic. Ayaz is bird and exotics. Oh. हाँ जी, पहुँच गए हम जू के ऊपर, और यहाँ पे जू पे काफ़ी डिफरेंट तरह के बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। सर्दी यहाँ पे ठीक ठाक ख़तरनाक हो रही है, मैंने जो है ना वो ग्लव्स भी पहन लिए। अंदर चल के देखते हैं। क्राउन क्रीम अफ्रीकन, African crown crane. Yeah. Kangaroos. You can go inside. Chale. Oh, chale.
माशाल्लाह सो मेनी थैंक्स बेबी लुक एट द बेबी एंड फॉलोइंग आह वाओ कैंगरू का बेबी ये तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज हो गया एकदम से अंदर गया वो टैली में गया ये सब फीमेल्स है मैंने पहले कभी कैंगरू नहीं देखा में कनाडा में क्या जबरदस्त फॉर्म है मोर घूम रहे हैं यहाँ पे मुर्गियाँ है यहाँ पे वो देखे आप वो एक मोर ऊपर चढ़ा हुआ है क्या माहौल है यार ये सो मैनी पीकॉक्स ओ यार ये देखो घोड़े दे आर हॉर्सेस पोनीज Ponies. Mini horses. Wow. Oh. Wow. Borgo. हाँ. आपको उबालना नहीं पड़ता है. So soft. Soft होता है. No, this full grown. He's 5 years old. 5 years old. No way. 5 years old. यार क्या क्या animals हैं माशाल्लाह. Subhanallah. ब्यूटीफुल कैन आई टच देम ये हाथ ही नहीं आएंगे अभी इन्होंने सींग देखो कितने बड़े हाँ वो वाले ये सींग देखो भाई इनके ये आज भाई माशाल्लाह योर फार्म इज जस्ट अमेजिंग जज़ाकअल्लाह कौन सा खाओगे कौन सा खाओगे लामा डियर्स दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ईट टुनाइट ये आगे वाला जो है ना ये आज रात में हम खाएंगे इंशाल्लाह इस फार्म में जो है ना आज भाई के एकदम अलग एक्सपीरियंस हो रहा है ज़ू में आप जाते हैं तो आप केज के अंदर नहीं जा सकते बट है हम टच भी कर सकते हैं देख भी सकते हैं और जो सर्दी हो रही है उसके अंदर ये एनिमल्स उनकी स्किन सब कुछ उसी स्टाइल से उसी तरह से बनी हुई है लामा दिस इज लामा माशाल्लाह ये कौन सा एनिमल है पैटागोनियन कीवी पैटागोनियन कीवी और मारा कीवी मारा ओ इतने सारे वाह भाई वाह हेलो व्हाट्स इट कीवी Hi. Imo. Hi, Imo. Bismillah. Whoa. Shoot. Yeah, ringtail lemurs. Black lemur, male. Black lemur. ये हाथ में रखना. ये हाथ में रखो. जब भी वो आपके पास आए उन्हों को हाथ में देना. अच्छा. Okay. एक मिनट. हाथ नहीं आ जाएगा. नहीं इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इधर आओ अंदर एक मिनट भाई अंदर मुझे भेज रहे हैं नहीं वो I'm telling you I guarantee you these guys they go do TVs okay एक मिनट okay ready experience here give me this no give me this no experience यार this experience you know people pay us thousands of dollars when you go in there you're gonna say thank you holy भाई डर लग रहा है मुझे सही है यार ये फ्रेंडली है तो हाँ यार माशाल्लाह जिया नाइस मैं तो वैसे ही डर रहा था व्हाट एन एक्सपीरियंस दे ऑलवेज डू दिस दैट्स हाउ दे कम्युनिकेट इन्हों के साथ आप अंदर नहीं जा सकते क्यों ये आपको ऐसे मारे आपका चेहरा दूसरी तरफ हो जाएगा अच्छा भाई ये जितने भी एनिमल्स हैं ना यहाँ पे ये बड़ी ही ख्याल से इनको रखा जा रहा है इनकी टेक केयर की जा रही है यहाँ पे हीटर्स लगे हुए हैं इनकी क्या खुराक है क्या नहीं है क्या खाना है कब क्या सीन है ये जो अयाज भाई हैं ही नोज एवरीथिंग और जो एनिमल्स के जो राइट्स हैं जो उनकी प्रोटेक्शन है जो भी लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए सारे एनिमल्स यहाँ पे रखे गए हैं समर्स के अंदर यहाँ पे इतने लोग आते हैं टिकट होता है यहाँ पे $15 और लोग आते हैं इस ज़ू को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे एनिमल्स से इंटरेक्ट करने के लिए सेफ एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में अयाज भाई माशाल्लाह इट्स अ बिग हॉर्स 15 साल की है माशाल्लाह
Which breed is this? This is a Percheron. It's a draft horse. Mm. Right? They do pull wagons, but we ride them. Nominal ride karte. Mashallah, this is gigantic. Beauty, beauty, beauty. भाई अटक में भी मैं गया था, वहाँ पे मैंने हॉर्सेस के अस्तबल में गया था। वहाँ बहुत सारे हॉर्सेस थे, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्सेस थे। ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही हैवी हॉर्स है यार ये, माशाल्लाह। ओह फ्रोज़न। Some people age them longer. I like almost month and a half. Month and a half. Yeah. But do I? No. No, no. Just clean and hang. Clean and hang. Yeah. In a dry environment. Yeah. American black belly है, ये wool वाला sheep नहीं है, ये hair sheep. Hair sheep है. और इसका taste बहुत ही अलग होता है। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम समर्स में होपफुली सेव करेंगे जिया भाई के लिए। या दैट वाइज ग्रेट माशाल्लाह, थैंक यू। दीज आर बेल्टेड गैलोवेज। अभी इनों के बीच में ऐसे लगा है किसने बेल्ट पहना है। ओह अच्छा, ओके। ये भाई एक और फार्म के अंदर हम आ गए। यहाँ पे ये वूल वाले है सारे, पीछे जो थे वो सारे हेयर थे, बालों वाले थे, ये वूल वाले सारे शीप्स हैं। ये वूल है, ये फुल वूल है। ये पैंडा है। पैंडा बदबू आ रही है। हाँ। वो लूमड़ी की है। लूमड़ी। ये है मंचूरियन क्रेन। मंचूरियन क्रेन। The rarest crane. They're protected by CITES. ये सब खाना डाला जा रहा है। अभी वो दरवाजा खुलेगा और सारे शेर अंदर आएंगे। ओह। बत्तख भी आ गई। इसके मजे आ गए हैं। हर शीप की टैगिंग हुई हुई है। वो नो की बास है। ये देखो, ये पूरा यहाँ पे लैंडस्केप नजर आ रहा है और समर में तो इसका अलग ही है। ब्यूटीफुल। आज भाई ने बोला भाई यहाँ पे रुक के आप ये व्यू देखो। भाई हमने जू से हम निकला है, इतना जबरदस्त जू था कि मैंने ऐसा इस तरह का जू फार्म जो है ना वो पहले नहीं देखा। और वो जो वो कहते हैं जिसको हमने खजूर खिलाई, ब्लैक एंड वाइट रफ लीमर, लीमर को जो वो खिलाई ना, वो तो बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था। और अभी हम मगरिब होने वाली है, थोड़ा सा हम इधर उधर घूमे फिरेंगे, नमाज वमाज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर भाई के घर जाके डियर मीट खाएंगे। डियर मीट जो हिरन हमने देखे ना, वो उसका एक गोश्त का खाएंगे। ज़बरदस्त। जू से हम आ गए भाई हक्का विलेज, क्योंकि सर्दी बहुत लग रही है और कुछ सूप हो जाए, थोड़ा गर्म हो जाए यहाँ बैठ के। छोटा सा ब्रेक लिया है हमने, क्योंकि अभी हमें जो है ना वो हिरन के स्टेक्स और हिरन की चॉप्स खानी है। यहाँ पे सूप है, बॉम्बे चिकन राइस। सूप चेक करते हैं क्योंकि सर्दी बहुत लग रही थी भाई। हॉट एंड सॉस सूप माइल्ड। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़रूरत थी भाई अभी इसकी। और ये बॉम्बे चिकन। क्रिस्पी। ओके भाई, हम पहुंच गए हैं अयाज भाई के घर पे और अयाज भाई ने अपने घर पे बनाया, जैसे कि मैंने बताया, हिरन के कुछ खास आइटम्स। आज हिरन का गोश्त खाएंगे। सलाम अलैकुम अयाज भाई। खाना आ गया हमारा बहुत ही ज़बरदस्त। अयाज भाई ने बड़ी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की है। यहाँ पे हमारा पास्ता है, स्टेक्स, सैलेड, मैश पोटैटोज और अभी चॉप्स भी आ रही है। ये आ गई भाई चॉप, चेक करें। ओह, और ये पहली दफ़ा है कि भाई मैं जो हूँ ना वो ये डियर मीट ट्राई कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स डिफरेंट। कैसे डिफाइन करूँ अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना वो डियर मीट खाया है, और वो भी फार्म एज जो हमने देखे थे, क्योंकि मैंने लैम काफ़ी ज़्यादा खाया हुआ है, तो ये लैम के करीब है, लेकिन बीफ की इट्स नॉट लाइक बीफ, इट्स समथिंग डिफरेंट। डियर चॉप्स। एक तो ये इतनी 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 ज़बरदस्त इन्होंने बनाई है ना, कि सारा जो मीट है इंतहाई गला हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त। कभी से पीछे
You marinated it for how long? इसको मैंने कल रात किया और आज 5 बजे ओवन में डाला. This is why ये इतना tender है, इतना ज़्यादा meat गला हुआ है, बिल्कुल जो उसके जो मसाले हैं वो उसके अंदर हैं, लेकिन जो meat का अपना taste है ना, it's very, मुझे मतलब बहुत soft है, बहुत it's not fatty. अभी जो wild वाले हैं ना, उन्हों का different taste है. ओह अच्छा okay. And इसका जो sweet taste है. Biryani is coming up. Biryani? Yeah, it's not done yet. Deer biryani? Yeah, she made it. Whoa, deer biryani. हिरन की बिरयानी खाएंगे भाई अब तो. मुझे लग रहा है मैं बादशाहों के मुगलिया जमाने में पहुंच गया हूँ. हिरन हिरन के खाने वाने खा रहे हैं हम यहाँ बैठ के. सर मैश पोटैटोज के साथ इसको हम डिप करेंगे. एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये, नो डाउट. बहुत ही टेस्टी है ये, ना ही गोट की तरह है ना ही लैम की तरह है. इसका अपना जायका है. चॉप्स के अंदर तो थोड़े मसाले हैं, लेकिन स्टेक्स के अंदर जो है ना वो मीट का अपना टेस्ट आ रहा है. डियर पास्ता थाई का टीम है इसमें. अयाज भाई ने जो हमारी ये दावत की है ना, माशाल्लाह. वेज भाई क्या कहते हैं ये? There's no fat. Fat नहीं है. Fat नहीं है. Meaty है. It's different and I like it. Here's your favorite. Oh, thank you so much. Pakola. Pakistan, Zindabad. भाई, deer chops का जो है ना वो meat काफी tender होता है. कोई इसमें heat नहीं है, कोई इसके अंदर smell नहीं है. हिरन के बूंदे खा रहे हैं माशाल्लाह भाई. आयाद भाई. Amazing bro. आप छा गए. Different. Yeah, very good. Jazakallah. Thank you so much for the hot hospitality. No, Jazakallah for coming. ये जो gravy है ना भाई, ये है असल game. भाई, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. एक तो हिरन का गोश्त और ऊपर से भाई की मेहमान नवाजी, माशाल्लाह. हिरन के चौथ. ओह भाई, डियर बिरयानी. भाई आपने बहुत एहतमाम कर दिया यार. वो बीबी ने बनाया. बिरयानी की बेतहाशा अकसाम है. आपने हर तरह की बिरयानी खाई होगी, लैम्ब खाई होगी, बीफ खाई होगी, मटन खाई होगी, वो खाई होगी, लेकिन हिरन की बिरयानी शायद ही किसी ने खाई हो. और अगर किसी ने खाई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई. डियर बिरयानी, हिरन बिरयानी. ओह माशाल्लाह, डिफरेंट बिरयानी है बिल्कुल. ये आम बिरयानियों से बिल्कुल हटके, एक तो आयल भाई के घर की अपनी बिरयानी है, और डियर मीट की वजह से इसका जो टेस्ट है ना, समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट. हल्की सी स्पाइस है, लेकिन हिरन का गोश्त जो है ना वो बादशाह खाते थे. आज हमें मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह. ये भाई हिरन की नली, हिरन का गूदा. ओ मैन, बहुत ही थिक रायता है इसके अंदर. टमाटर हैं, क्यूकम्बर हैं, अनियन हैं. गुजराती बिरयानी. ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त. जितना मेरा YouTube का करियर है ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ. अयाज भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस. अप्रिशिएट दैट. इंशाल्लाह ताला. मेक दुआ, दैट्स ऑल. अल्हम्दुलिल्लाह. आई नो वर्ड. ऐसे ट्राई टाइम लेने का. ओह सर. गारंटी. हैव यू ट्राइड इट? ओह. इट्स रियली गुड. माशाल्लाह. इतना हैवी खाना खाने के बाद ये टार्ट बिल्कुल भी जो है ना वो हैवी नहीं लग रहा. परफेक्ट. और अब खाना तो फिनिश हो गया, लेकिन ये टार्ट के बाद एक केक भी आ गया हमारे लिए, जबरदस्त सा. अल्लाहु अकबर. बिस्मिल्लाह. ये देखो भाई, लेयर्स देखें आप केक में जो है ना. इसमें केक भी है, कस्टर्ड भी है, क्रीम भी है, आई थिंक चीज़ भी है. मेल्ट इन योर माउथ. इतना सॉफ्ट फ्लफी आपने खाया है और ऐसा लगा कि बस तैरता हुआ चला गया केक. वो टार्ट भी बहुत ही आला था और ये केक भी माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त. ओके भाई, बड़ा ज़बरदस्त दिन रहा आज का. इतने नए नए एनिमल्स देखे हमने, नई नई चीज़ें.
एक्सप्लोर की। कल हम गए थे कराची किचन, वहाँ चौधरी मतीन साहब से मुलाकात हुई, आज अयाज भाई से मुलाकात हुई। तो भाई नए नए लोगों से मिलने का, नई नई चीज़ें देखने का तजुर्बा हो रहा है और साथ साथ आपके साथ भी शेयर करते जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हिरन का गोश्त कैसा होता है वो तो खा के ही पता चल सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आप लोगों को पता चले। हम सब भाई यहाँ पे आए हुए थे खाने के लिए। थैंक यू अयाज भाई, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह ताला फिर आएंगे। अयाज भाई ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं, होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम या भाई। और आपने कराची आना है तो यू हैव टू टेल मी इंशाल्लाह, एंड वी विल सी यू इन पाकिस्तान प्रीटी सून। प्रीटी सून मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।